ओम शांति। मेरा नाम है अरविंद भाई, मैं वाई महाराष्ट्र का हूँ। मैं राजयोग के ज्ञान में, बाबा के ज्ञान में मैं 8 साल से आया हूँ। मुझे इतनी खुशी मिली है बाबा के ज्ञान में आने के बाद कि वो बता नहीं सकता वर्ड्स में। और बाबा जो हर दिन मुरली में हमें 4 सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो मैं उसमें सेवा की बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। कि जब हम बाबा से बातें करते हैं कि बाबा मुझे ये चाहिए लेकिन ऐसा करना है, कुछ भी बाबा से बातें की, तो बाबा जरूर हमें मदद करता है। एक सेवा के सब्जेक्ट में मैंने बाबा से अमृत वेले संकल्प करना शुरू किया था कि बाबा मुझे घर में बैठ के पांडव भवन या मधुबन की यहाँ से सेवा करनी है, क्योंकि घर में लौकिक में मेरी माँ 91 एज की है और भाई बीबी बीमार हैं, दोनों घर के बाहर नहीं जा सकते, तो उनकी लौकिक की सेवा करके मुझे मधुबन या पांडव भवन की यहाँ से यह से मुझे सेवा करनी है घर में बैठ के। ऐसे बहुत दिन बाबा से संकल्प किया, बाबा से चिट्ठी लग के बाबा के सामने मैंने घर में बाबा का जो घर बनाया उसके सामने रखा, तो बाबा हमें ज़रूर मदद करता है। तो मैंने निमित्त आत्मा उनसे, हमारे वाई सेंटर की जो श्रीमंती वैद्य जी है जो 40 साल के बाबा से इसी ज्ञान में समर्पित है, सभी भाई बहनों को हमें वो राजयोग का ज्ञान देती है, उनसे मैंने बातें शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस किया और फिर मैंने वैसे भी किया कि पांडव भवन या मधुबन में भाई बहनों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसी सेवा करनी है घर में बैठ के। तो 5-6 भाई बहनों ने मुझे फ़ोन उठाए, उन्होंने कुछ गाइडेंस किया, तो उसमें से वेणुगोपाल जी भाई जी पांडव भवन के वीडियो ग्रुप, वीडियो डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी आइडिया दी कि उन्होंने कहा कि ऐसे आप कुछ बनाओ तो हम ऑल इंडिया शेयर कर सकेंगे, सभी के भाई बहने पढ़ सकेंगे। तो पहले मेरे दिल में ऐसी सेवा चल रही थी कि मैं ऐसे कुछ कलरफुल मुरली एक ही टच पे स्क्रीन पे आए तो हम बना सके उसके। तो उनको मैंने ऐसी सिंपल सी हाथ से लिखी हुई मुरली, कलरफुल मुरली, बाबा के जो मेन्स पॉइंट्स होते हैं तो उसमें लिख के मैंने भेजा। तो वेणुगोपाल भाई जी ने वो देखा लेकिन फिर भी कहा कि ये इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसे सभी भाई बहनों पढ़े और उनको अच्छी लगे, तो आप कुछ अलग बनाओ। मैंने पहले क्या करता था कि हाथ से लिख के करता था, ऐसे कुछ चित्र वगैरह उस पर नहीं थे। तो बाबा ने ऐसी संकल्प दी, बाबा ने निमित्त बनाया और मुझे कुछ ऐसी आइडिया दिया, तो मैंने एक 500 प्रिंट निकाले। 500 प्रिंट में बीच में मैंने शिवलिंग का चित्र प्रिंट कर दिया, दोनों साइड में स्वस्तिक का चित्र और ऊपर ओम शांति, ऐसे लिख के बाबा के मेन्स पॉइंट हाथ से लिखना शुरू कर दिया। फिर उनको भेजा, फिर भी कहा उन्होंने कि मुझे ऐसे कुछ और डेवलपमेंट चाहिए। तो मैं और डेवलपमेंट करते गया, तो उसमें क्या क्या करते गया कि जो बाबा के महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, उसके संबंधित वरदान है, उससे संबंधित ऐसे चित्र निकाला, क्योंकि दुनिया जो विजुलाइजेशन है वो चित्र देख के ज़्यादा से ज़्यादा हर एक के दिल में, मेरे भी दिल में वैसे बैठती है कि हर एक का दिल करता है कि चित्र पहले देखे। तो चित्र मैंने ऐसे बुक से निकाले और उस पर रख के उसका फ़ोटो निकाल के टोटल मुरली बना के उसका ऐसा फ़ोटो निकाल के वेणुगोपाल जी उनको भेजना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा और कुछ डेवलपमेंट चाहिए, तो ऐसी ऐसी मैं थोड़ा और डेवलपमेंट करते गया, उनको अच्छी लगने लगी, लेकिन वो पूरी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि बाबा ने उनको निमित्त बनाया था तो उनसे सैंक्शन होना था। तो मैं कभी भी ज़िंदगी में एक पॉइंट मैं ऐसे छोड़ता नहीं, हर एक से मैं बातें करता हूँ। तो हम जो महाराष्ट्र में एक ऑनलाइन ग्रुप चलाते हैं बाबा के ज्ञान का, उसका नाम है स्वीट मुरली ग्रुप, जो मंजू द्वी जी जो बेंगलोर की है उनके अंडर, नंदिनी लेआउट उनके अंडर, और सुशील भाई जो पुणे के, वो दोनों उसके फाउंडर है, उनको बाबा ने निमित्त किया है। तो उनसे मैंने सजेशन लिया, तो सुशील भाई जो पुणे के है बाबा के ज्ञान में, वो समर्पित भाई है, वो पुणे में रह के लौकिक सेवा करके वो समर्पित है। तो उन्होंने मुझे ऐसी कुछ आइडिया दी और उन्होंने मुझे पिस्कार्ट ऐप सिखलाया। तो पिस्कार्ट ऐप इतना अच्छा है, तो उस पर मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट करके बाबा के जो महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, वरदान है, धारणा है, स्लोगन है, ऐसे उसे कॉपी करके पेस्ट करके मुरली ऐसे बीच में शुरू कर दिया। और उसमें मैंने क्या किया कि जो मैं चित्र बुक से लेके रखता था और उसके फ़ोटो निकालता था, तो मैंने वो गूगल से लेना शुरू कर दिया और उसके साइड में जैसे महावाक्य और प्रश्न उत्तर उसको संबंधित, उसको अटैच,
उसका अर्थ उसमें आ जाए और उसका सेंटेंस उसमें मैं चिपका दो, ऐसे मैंने करके वो चित्र वो पिक्चर उसमें डालना शुरू कर दिया। तो मेरी मुरली अभी इतनी अच्छी हो गई कि उसमें 5 पॉइंट्स आने लगे, बाबा के प्रश्न, बाबा के महावाक्य, प्रश्न उत्तर, बाबा का गीत, राइट साइड में धारणा के 2 पॉइंट, उसके नीचे वरदान और उसका विस्तार और लास्ट में स्लोगन, और ऊपर ओम शांति लिखा हुआ और उसके नीचे बाबा का महावाक्य होता है उससे संबंधित एक पिक्चर मैंने गूगल पे लेना शुरू कर दिया, और प्रश्न उत्तर जो है उसका एक पिक्चर गूगल से लेना शुरू करके उसको उसकी साइड में मैंने पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कितने पॉइंट्स उसमें आ गए और मुरली बहुत अच्छी बन गई, मैं उसमें खुश हो गया, आनंद हो गया, और मैंने पांडव भवन के वेणुगोपाल भाई को भेजना शुरू कर दिया, तो वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप एक टच पे उसको स्क्रीन पे इतना बड़ा पिक्चर आना चाहिए इसे करो, वैसे मैंने किया। तो उन्होंने अभी खुश होके वो बहुत से ग्रुप पे भेज रही है, मैं आध्यात्मिक ग्रुप वालों को भी भेज रहा हूँ, और कुछ मेरे भाई बहने हैं उनके ग्रुप्स अलग है उनको भेज रहा हूँ, ऐसे 20-25 ग्रुप को भाई बहनों को मैं भेज रहा हूँ। तो टोटल एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10 तो 12 लाख बीके भाई बहनों को ये मेरी कलरफुल मुरली 7 बजे के पहले जाती है, 7 AM के पहले जाती है, जब बाबा 7 बजे मुरली हमें सुनाते हैं दिल से प्यार से हम उनको सुनते हैं। और कई कई भाई बहनों को एडवांस में लगती है तो एडवांस को एक दिन में मैं भेजता हूँ कि वो अमृत वेला के बाद उनको पढ़ना होता है। तो इतनी मुरली मेरी सेवा इतनी अच्छी हो गई, मुझे खुशी मिल गई। तो बाबा हर बार कभी कभी बात मुरली में कहते हैं, आपकी खुशी ही ज्ञान योग आपका दिखाती है, आपको खुशी नहीं तो ये दोनों पॉइंट भी दिखाती नहीं। तो खुशी मुझे मिल गई, सभी को खुशी हो गई, बहने भाई सब खुशी हो गए कि ये एक टच में हमें सब बाबा के मेन पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं। मेरा मेन कहना है कि जो ज्ञान योग धारणा सेवा में मैंने सेवा सब्जेक्ट पे स्टडी किया और बाबा से बातें की, बाबा से संकल्प किया और बाबा से मैंने ये कहा कि मुझे घर में बैठ के घर से प्रॉब्लम कर की लौकी की सेवा करके मुझे पांडव होने मधुबन की सेवा करनी है, तो बाबा ने उसमें ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे दिया, यश दे दिया, मैंने सेवा वो कंप्लीट कर दी। तो जो बाबा कहता है वो हम दिल से प्यार से बाबा से बातें करते हैं अमृत वेला, तो बाबा उसमें हमें डायरेक्टली रिजल्ट देते, ये निश्चित है। तो ये सेवा मुझे इतनी खुशी दे की गई, हर एक को आपको भी ऐसी सेवा मिले और आप भी खुशी पाए और खुशी से भरपूर हो जाए, ये मेरी इच्छा है और ये बाबा इच्छा हमारी जरूर कंप्लीट करता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।